हेलो, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि एफ इज रियल वैल्यू फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसके डोमेन और रेंज बोथ आर रियल। तो आप इनकी पहचान ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल और डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज ऑफ एफ वो भी ऑल रियल है। ठीक है, आप इनका ग्राफ ड्रा करें। तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है। मैं बिल्कुल पहले आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे आप अपनी 10th क्लास में करते रहेंगे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ये एक्स और ये वाई। अगर एक्स आप 1 ले रहे हैं सपोज करो, तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। यहाँ 2 ले रहे हैं तो ये भी 2 आएगी। सफिशेंट है इतना। अगर आप और कुछ भी लेना चाहें, 0 लें तो वाई भी 0 हो जाएगी। तो आप ग्राफ ड्रा करें। ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसको लेबल करें। ये 1 2 3, ये 0 1 2 3, ऐसे ही -1 -2। आप इधर भी -1 -2 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करें 1 1 1, एक्स एक्सिस 1, तो ये पॉइंट आ गया। 2 2, ये 2 और ये 2 सफिशेंट है। 0 0 यही है, और यहाँ से आप ड्रा करें, ये ग्राफ बन गया। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव पॉइंट लें, ये जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये ग्राफ बना है ग्रेटर देन 0 का, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप इसको ऐसे पीछे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे में तो ये ग्राफ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी ग्राफ हम ड्रा जब करते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, हम ग्राफ इतना बड़ा ड्रा करते हैं जिसमें उसके सारे सेलियंट फीचर आ जाते हैं उसके डोमेन पे। ऑल रियल है तो हमने पॉजिटिव भी ले लिए, और हम यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे -1 आप यहाँ लिखते तो -1 ही यहाँ पर आ जाता, 0 भी आ गया, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। तो ये फंक्शन बनेगा वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की, आप यूँ बनाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है ये सारा। तो ये बीच में से पास हो गया तो 45 डिग्री का। अब जब कभी भी आपने आइडेंटिटी फंक्शन ड्रा करना है तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही इसमें से पास होता हुआ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का बनाते हैं, ड्रा कर दें। ठीक है कि नहीं। तो इसकी पहचान है ए फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एक्स, जिसका डोमेन ऑल रियल और रेंज ऑल रियल है। ऐसे बाकी और दूसरे ग्राफ भी हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ओके, जितना आपको कहा जाए उतना ही करें। अगर आपको ये देते वाई इज इक्वल टू एक्स है वेयर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो आपने केवल इतना 0 से ऑनवर्ड ये ग्राफ ड्रा करना था, और लेस देन का है तो नीचे ड्रा करना था। ठीक है, ये बातें आपने नोट करनी है, ये आगे काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं एक और फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू सी, सी में कोई भी कॉन्स्टेंट कोई भी रियल नंबर ऐसे लिख दो, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। तो देखिए वाई इज इक्वल टू का आप ग्राफ करें, वाई इज इक्वल टू 2, तो कैसे बनेगा। आप इसको यूँ लिख सकते थे, अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे
जीरो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई एक्स वाई जीरो हो गया, यानी कि वाई इज इक्वल टू टू है। और तब आप ये करते हैं जब आप टेंथ में करके आए, बिल्कुल वैसे ही ये आ गया। इसके लिए आप ऐसे टेबल बनाते थे, तो बना दीजिए टेबल, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, दो पॉइंट सफिशेंट होते हैं। एक्स की वैल्यू मैं वन पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये जीरो बन गया, वही टू आ गया। अगर यहाँ टू पुट करूँ तो ये फिर टू आ गया। तो आप ऐसे ही इनका ग्राफ ड्रा करें, तो ये ग्राफ बन जाएगा ये जीरो वन टू वन टू। ओके, अब देखिए ये वन एक्स एक्सिस पर वन और ये टू, फिर ये टू वाई कोऑर्डिनेट ये टू, तो ये बन गया y इज इक्वल टू टू का ग्राफ, ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस। नोट करें ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, इट विल पास थ्रू जीरो टू एंड पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से अगर ये y इज इक्वल टू वन होता तो यहाँ से पास हो जाता y इज इक्वल टू वन का ग्राफ, y इज इक्वल टू जीरो तो ये x एक्सिस इटसेल्फ आ जाता, y इज इक्वल टू माइनस वन, सोच करो ये माइनस वन है तो यहाँ से पास होता y इज इक्वल टू माइनस वन, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे। ये नेगेटिव लें तो ये आप इधर भी उनको बढ़ा सकते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन, आपने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप इधर नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो ये आ गया। तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल, और रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज हर किसी में टू 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 या कॉन्स्टेंट है, तो आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिख दें, कॉन्स्टेंट रेंज है हमेशा इसका, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये टू है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कॉन्स्टेंट ये फंक्शन हमारे पास आ गया, अगर ये ऐसे होता हुआ एक्स इज इक्वल टू टू, तो इट विल परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये मान लीजिए टू है तो एक्स इज इक्वल टू टू का ग्राफ ये होगा, अगर नेगेटिव है तो इस साइड से पास हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई एक्सिस इटसेल्फ ये होगा। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये y इज इक्वल टू, इसका लेना आपने, ठीक है कि नहीं, y इज इक्वल टू में लेना, ये वैसे समझा दिया आपको। तो ये दूसरा आ गया, तो हर बार जब भी आपने कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो उसकी टाइप बताएं, उसका डोमेन और रेंज बनाएं बताएं और ग्राफ बताएं, ठीक है। चलिए अब आगे एक और करते हैं हम इस वीडियो में, नेक्स्ट होगा लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू लिख दो या एफ ऑफ एक्स लिख दो, ये मैं आपको हर बार बताऊँ, ए एक्स प्लस बी, वे ए एंड बी आर रियल नंबर, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं, अगर जीरो है तो बी है, कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन है। तो आप इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो कोई भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, चलो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, आप ये देखें टू एक्स प्लस थ्री, और फिलहाल मैं आपको वैसे ही बना के बताता हूँ जैसे आप पहले बनाते रहे हैं, ये एक्स आया या वाई आ गया, तो आप एक्स की वैल्यू वन पुट करो तो ये यहाँ पर फाइव बन जाएगा, ये टू पुट करो टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन हो गया। तो आप ये ग्राफ अगर आप ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको लेबल कर लें, एक्स एक्सिस पर ये वन टू है, वाई एक्सिस पर चलो छोटा बना टू फोर सिक्स और ऊपर तक ये एट, तो आप नोट करें वन और फाइव, फाइव यहाँ से आ जाएगा वन फाइव
टू सेवन यहाँ आएगा, टू सेवन, ये सेवन आ गया। और इसको मिलाते हुए आप ड्रा कर दें, ये इस तरह से ओब्लिक लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ऑल रियल हैं इसमें भी, तो आप नोट कर सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल और रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल रियल। अब आ गया बात समझ में। अगर आप यहाँ पर नोट करें, अगर ये ए जीरो आ जाए कॉन्स्टेंट बन जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट की जगह जीरो आ जाए तो y इजिकल टू टू एक्स, इट विल पास थ्रू द ओरिजन, ये ओरिजन में से पास होगा, जैसे कि हमने ऊपर किया है, वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है।